एक बार फिर आपको लेकर चल रहा हूँ मैं लाइव, और सुरेंद्र सिंह डटवालिया जी जो भारतीय नौसेना के जवान शहीद हुए हैं बड़सर उपमंडल से, हमारे बीच में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद ठाकुर जी यहाँ पर हैं और वह भी इस अंतिम संस्कार प्रक्रिया में शामिल हुए हैं। सभी लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि आज दी है इन जवान को। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमीरपुर के पिछले 2-3 सालों में 4-5-6 जवान लगातार इस तरह की शहादत अब मीडिया में जब सामने आने लगे हैं तो लोगों के अंदर एक विश्वास भी, देखिए आप कितना जन सैलाब यहाँ पर जो खड़ा है, इतने सब लोग यहाँ पर युवा बच्चे महिलाएं भी आज इस पूरे व्यवस्था को कहीं ना कहीं आज शामिल हो रही हैं। तो भारतीय जवानों का जिस तरह से शहादत पे लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, एक तरह से देश के प्रति जो विश्वास बढ़ रहा है, उसी के बीच में विनोद ठाकुर जी हमारे बीच में, सर आज बड़सर के लिए एक और क्षति, बड़ी क्षति जिसको हम कह सकते हैं, और उस परिवार के लिए एक भी बड़ी क्षति, जिनकी छोटी बच्चियां, अभी मैं उनको सुन रहा था उनकी बातें बड़ी झंझोड़ देने वाली थी, उनका भी सवाल खड़ा हो रहा था कि कहीं ना कहीं ब्लास्ट कैसे होगी अपने ही युद्धपोत में, किस तरह से ये जाने चली गई, एक सवाल इन्होंने खड़ा किया है। आप भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, सरकार के माध्यम से उन बच्चों की आवाज़ मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि क्या मैसेज आप इस पे देना चाहेंगे और किस तरह से इन बच्चियों का जो दर्द है उस पर आप आगे बात करना चाहेंगे। हमारे लिए, पूरी बड़सर विधानसभा क्षेत्र के लिए, पूरे हिमाचल के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है और अपूर्णीय क्षति है। जिस प्रकार से जो सूचनाएं आ रही हैं कि कोई ब्लास्ट हुआ है उस युद्धपोत में, ये अभी जांच का विषय है, जांच से क्या बाहर आता है। हम भी सरकार की तरफ से मांग रखेंगे कि जांच केवल जल्दी से जल्दी हो और क्या इसमें सच्चाई है वो सामने आए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरे बड़सर विधानसभा क्षेत्र के लोग, ये जो जनसैलाब आज यहाँ श्रद्धांजलि देने आया है, मुझे लगता है ऐसा हमीरपुर को वीरभूमि भी कहते हैं और बहुत सी शहादत की इबारतें हमारे वीरों ने लिखी हैं। मेरे साथ कैप्टन साहब भी खड़े हैं, ये अभी सेना से आए हैं, प्रधान जी यहाँ खड़े हैं, हम सब लोग आज, मैं होशियारपुर के पंजाब के चुनाव में था जब पता लगा तो हम लोग सुबह ही पहुँचे हैं। और मुझे लगता है कि ये इस क्षति को पूरा करना बहुत मुश्किल होगा। परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएँ हैं और सरकार की तरफ से भी जो भी हम कर पाएंगे, जो भी इस परिवार के लिए होगा वो हम करेंगे, और आने वाले भविष्य में उन बच्चों के लिए क्या अच्छा हम कर पाएंगे, किस प्रकार से हमारी पार्टी उनकी सपोर्ट कर पाएगी, किस प्रकार से सरकार सपोर्ट करेगी, वो सारा हम देखेंगे। बस मैं बोलना चाहूँगा कि जो शहीद जो शहादत को प्राप्त हो रहे हैं, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, देश पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। हम सुरेंद्र सिंह डटवालिया जी के इस बलिदान को, उनके इस शहादत को कभी भूलेंगे नहीं, और मैं ये आशा करता हूँ कि वो हमारे दिलो दिमाग में अमर रहेंगे और जो भी हम इस पंचायत के लिए भी और बच्चों के लिए कर पाएंगे उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। जी विनोद जी, तो आपने यहाँ पर विनोद ठाकुर जी को सुना जो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, बड़सर के एक बहुचर्चित व्यक्ति भी हैं, एक बड़ा चेहरा भी हैं। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे युवाओं की बात करें, चाहे हमारे बच्चों की बात करें, चाहे हमारे बुज़ुर्गों की बात करें, महिलाओं की बात करें, या पंचायत के वासियों की बात करें, गांव के लोगों की बात करें, सभी लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं शहीद सुरेंद्र सिंह डटवालिया जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए। और जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप इसमें लाइव बने रहे, इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई गलती, कोई त्रुटि अगर होगी हो किसी बात में, बोलने में, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि भावनाओं भरा पल होता है, समझ में नहीं आता है क्या बोलें, क्या सही है क्या नहीं है, ये कई बार विश्लेषण नहीं हो पाता है। तो ऐसे में हमारी गलतियों को भी आप क्षमा करें, इसके लिए हम फिर से एक बार आपको क्षमा चाहते हैं। जीवन सा न्यूज़ के साथ आप बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।